हाँ जी, तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉकरोच वाला टॉपिक है उसका हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बता चुके हैं कि ये वाला जो स्टोरेज वाला ऑर्गन है इसको हम लोग क्रॉप कहते हैं, और जो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग गिजार्ड कहते हैं। इसमें फूड ग्राइंड होगा, क्रश होगा, और हिपैटिक सी का यहीं पर कुछ ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ये ट्यूबलर ऐसा दिखता है, आइडेंटिफाइंग फीचर इसका ट्यूब जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, और ये हिपैटिक सी का है। उसके बाद ये मिजेंट्रॉन है, और उसके बाद जो ये जो फाइबर लाइक है, ये जो फाइबर लाइक है इसको हम लोग बोलते हैं मालपिजन टिब्यूल्स, जहां पर एक्सक्रेशन हो गई। इसका स्केटरी ऑर्गन है मालपिजन टिब्यूल्स। उसके बाद ये हाइंड गट वाला, यहाँ पर एनस।